आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं FRCV के बारे में, यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को लेकर भारत में बातचीत काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन चीजें ऑफिशियल हुई थी जून 2021 में। ये वही टाइम था जब भारतीय थलसेना की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इनिशिएट की गई थी, और कल यह प्रोग्राम अपने दूसरे चरण में चला गया है जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड कर दिया है। देखिए, भारत में कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से। हालांकि उससे पहले भी कई स्टडी की जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली एक ऑफिशियल स्टार्ट मानी जा सकती है। उसके बाद दूसरा मेजर स्टेप आता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देती है। इस पैनल को हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन इन दोनों स्टेप्स के बीच में सर्विसेज की तरफ से इंटरनली कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। वेंडर्स से आए RFI रिस्पांस को स्टडी किया जाता है, उसके ऊपर गैप एनालिसिस की जाती है, क्रिटिकल रिव्यूज किए जाते हैं, और उसके बेसिस पर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बनाई जाती हैं। फिर एक नेसेसिटी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और ये नेसेसिटी डॉक्यूमेंट सर्विसेज के इंटरनल प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा अप्रूव किया जाता है। इंटरनल प्रोक्योरमेंट बोर्ड के अप्रूवल के बाद में यही डॉक्यूमेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास में जाता है, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS मिलकर इसको अप्रूव करते हैं। एक बार ये सारे अप्रूवल हो जाते हैं, तब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने जाता है, और उनके अप्रूवल के बाद में कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया गया है, और FRCV प्रोग्राम के साथ में ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए गए। अब सर्विसेज की तरफ से DRDO और दूसरे वेंडर्स को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा जाएगा, और इसी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बेसिस पर DRDO की तरफ से भारत सरकार से फंड्स की मांग की जाएगी। एक बार जब ये फंड्स ग्रांट हो जाएंगे, तब प्रोटोटाइप का रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उसके बाद इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन किया जाएगा। एक बार ये सर्विसेज की सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद कमर्शियल नेगोशिएशन फेज आएगा, और फिर CCS का अप्रूवल। CCS के अप्रूवल के बाद में एक फाइनल नेगोशिएशन और होता है, और फिर डील साइन हो जाती है। प्रैक्टिकली उसके बाद में प्रोडक्ट की डिलीवरी और पेमेंट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में एक चीज क्लियर कर दी गई है कि ये प्रोजेक्ट इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप प्रोजेक्ट होगा, जिसको Make 1 कैटेगरी के तहत बनाया जाएगा। यानी कि सभी शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स को भारत सरकार की तरफ से डिजाइन डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के फंड्स दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आइडिया है कि पहले फेज में 590 यूनिट परचेस किए जाएंगे, और अगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इस टैंक का वजन 55 टन के आसपास होना चाहिए। आइडिया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विसेज में जितने एयरक्राफ्ट और रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी के साथ में ये कंपैटिबल होना चाहिए, और ये 4 क्रू वाला टैंक होना चाहिए। अगर फायर पावर की बात की जाए तो मेन गन 120mm की होनी चाहिए, लेकिन क्या ये राइफल्ड होनी चाहिए या स्मूथ बोर, उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें हर तरीके के राउंड्स को फायर करने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही साथ एंटी हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स मांगी गई। सेकेंडरी आर्मामेंट कोएक्सियल गन और एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन मांगी गई है। फायर कंट्रोल सिस्टम में हंटर किलर मोड और किलर मोड दोनों मांगे गए। इसके अलावा ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो सिस्टम मांगे गए। प्रैक्टिकली यहाँ पर जो चीजें हम लोगों ने अभी गिनवाई हैं, वो सभी चीजें अर्जुन में मौजूद हैं। वहीं अगर सर्वाइवेबिलिटी की बात की जाए तो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मांगा गया है, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों होने चाहिए। पैसिव प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो मिनिमम 800mm RHA इक्विवेलेंट फ्रंटल आर्क में मांगा गया है, और 600mm इक्विवेलेंट RHA ऑल अराउंड मांगा गया है। इसके अलावा इसमें ERA और NERA के प्रोविजंस भी मांगे गए हैं, हालांकि वो एड ऑन्स हैं, यानी कि उनके साथ में इनका वजन नापा नहीं जाएगा। इसके अलावा क्रू प्रोटेक्शन के लिए ब्लास्ट डोर या कैबिस बॉप वाले कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए कहा गया है, यानी कि यहाँ पर भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी चीजें अर्जुन मार्क बने वाली ही है। मोबिलिटी की अगर बात की जाए तो 1500 हॉर्स पावर के इंजन की मांग की गई है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड को केटर करने के लिए डी रेटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। पावर टू वेट रेशियो 27:1 हॉर्स पावर पर टन होना चाहिए। नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर 0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पर भी पावर टू वेट रेशियो छोड़कर बाकी सारा कुछ अर्जुन मार्क 1A कैटेगरी में मांगा गया है। कम्युनिकेशन सेगमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सॉलिड बूस्ट आने वाला है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज मांगे गए हैं, क्रू के बीच में कम्युनिकेशन हैंड्स फ्री होना चाहिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन स्वार्म और दूसरे एरियल कंपोनेंट्स के साथ में एक नेटवर्क होना चाहिए, जो इस टैंक को सीधे डायरेक्ट फीड प्रोवाइड कर सके। GPS, लैंड नेविगेशन सिस्टम, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट और 10 square kilometers की एक टैक्टिकल डेटा फील्ड, जो टैक्टिकल वाईफाई नेटवर्क के तौर पर काम करेगी, इन सभी चीजों को यहाँ पर मांगा गया है। इसके अलावा अगर नीश कैपेबिलिटीज की आप बात करेंगे तो इसमें कई इंटरेस्टिंग चीजों को मांगा गया है, जैसे अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स के साथ में कॉन्टैक्ट और ऑनबोर्ड ऑफबोर्ड ड्रोन सिस्टम्स, यानी कि लॉयटरिंग मिनिशंस और टेदर्ड ड्रोन्स।
यानी कि ओवरऑल ये सिस्टम काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। और देश में इंडिजिनस 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन के बनने के बाद में इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां मुझे नहीं दिख रही। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।